हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है। एक्चुअली एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी है एंजाइम कैटालिसिस की। जब कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी को हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स बोलते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स की जो स्टडी होती है एक्चुअली में वो रिएक्शन के रेट को मेजर करती है और साथ साथ में एंजाइम की एफिनिटी कितनी है सबस्ट्रेट के लिए या इनहिबिटर के लिए, इस चीज़ को भी मेजर करने का काम काइनेटिक्स करती है। काइनेटिक्स में बेसिकली हम ये देखते हैं रिएक्शन किस रेट से चल रही है, वो रिएक्शन रेट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो हमारा एंजाइम है उसके जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट की तरफ वो कितनी है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। आप जैसे कि एक रिएक्शन हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, और इनसे एक प्रोडक्ट बनता है पी। तो ए और बी रिएक्टेंट से हमारा एक प्रोडक्ट बनता है पी, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर अब हम इसके रेट को देखना चाहें कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसका रेट हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके रेट को हम दो तरीके से कर सकते हैं एक्सप्रेस। किस तरीके से? पहला तो हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं क्योंकि उनसे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो रेट को हम दो तरीके से कर सकते हैं डिफाइन या एक्सप्रेस, या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट में करें तो रेट हो सकता है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब ये है कि इस रेट को हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट से शो कर रहे हैं, यानी डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इस तरीके से हम बी के रिस्पेक्ट में भी इसको शो कर सकते हैं क्योंकि बी भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट ही है। और यहाँ पर ये जो आपको स्पेशल ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ए की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब कि कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है ए का, या अगर बी के रिस्पेक्ट में शो करेंगे तो बी का। तो जब भी हम किसी चीज़ के नीचे टी लिख देते हैं, चेंज इन टी, दैट मीन्स कि हम उसके रेट की बात कर रहे हैं। तो रेट यहाँ पर क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी कि ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना कम होता जा रहा है। इसी तरीके से बी का भी हम दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। उसको दिखाने का तरीका ये है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। माइनस वहाँ पर इसलिए लिया था ए वाले में क्योंकि हम उनके डिसअपीयरेंस की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से ये दो तरीके होते हैं हमारे रेट को शो करने के। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। कोई भी रिएक्शन किस ऑर्डर की है ये कैसे पता लगाएं, तो ये हमें देखना है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ पर ए प्लस बी गिव्स यू पी, जो हमारे पीछे वाली रिएक्शन थी, यानी कि दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं मिलकर पी। तो इसमें अगर हम रेट शो करना चाहें तो रेट इक्वेशन हम इस तरीके से शो करेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जहाँ पर ये जो आप ए टू द पावर एक्स या बी टू द पावर वाई देख रहे हैं ये रिएक्शन के कोफिशियंट्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी रेट इक्वेशन है ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं, या कहें कि ये हमारे ए और बी के कोफिशियंट्स हैं। अब हम ये भी समझेंगे कि कोफिशियंट हमें क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या ये दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगाते हैं, यानी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जो कि होता है हमारा के, जो कि है हमारा रेट कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर ये जो एक्स और वाई है ये क्या डिनोट करते हैं, ये हमारा डिनोट करते हैं एक्सपोनेंट्स की वैल्यू, और ये हमारे क्या होती हैं, ये वैल्यू होती हैं एक्चुअली में कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल्स ए के, कितने मॉलिक्यूल्स बी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ये दिखाते हैं। अब ये जो एक्स और वाई है ये होल नंबर्स होते हैं ज़्यादातर, ये वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, और कुछ केसेस में ज़ीरो भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग ये जो हमारा रिएक्शन का ऑर्डर है वो डिसाइड होता है। अब समझते हैं किस तरीके से डिसाइड होता है ऑर्डर। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं, एक ए रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट पी में चेंज हो जाता है।
अब अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के ए की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1। तो यहाँ पर ए टू द पावर 1 का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर रिएक्टेंट का जो कोफिशियंट है वो 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्टेंट होते, ठीक है, और एक पर ही डिपेंड करती हमारी रिएक्शन, तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती। उसको समझेंगे हम आगे कैसे। अगर हम ऐसे कहें कि इसकी रेट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं के ए टू द पावर 0, दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रेट है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किन्हीं और चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब आगे अगर हम चलें और एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि ये हमारा है ए प्लस बी, हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं और वो हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं सी। तो अगर रेट इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखें कि ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 1, तो दोनों पर डिपेंड कर रहा है रेट, ए की कॉन्सेंट्रेशन पर भी और बी की कॉन्सेंट्रेशन पर भी, और सिंगली डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो इस रिएक्शन का है वो है सेकेंड ऑर्डर, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। पर अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देखें, सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में देखें तो भी फर्स्ट ऑर्डर है, पर अगर दोनों के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ज़ीरो ऑर्डर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेट है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, के इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0। अगर इस तरीके से भी हमारा रेट इक्वेशन हमें शो हो रही है, दैट मीन्स कि जो रिएक्शन रेट है, जो हमारा रिएक्शन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आर इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0, तो यानी रिएक्शन रेट सिर्फ ए पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, भले ही इसमें दो रिएक्टेंट्स हों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर निकालते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है? दो साइंटिस्ट थे, लियोनर माइकलिस और मॉड मेंटन। ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल दिया था एंजाइम काइनेटिक्स का। एक्चुअली इन्होंने बात की थी कि जब एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं तो वो क्या काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, क्या उनकी स्कीम होती है, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। एक्चुअली में ये काम कर रहे थे सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, यानी किस तरीके से सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है जब इन्वर्टेज एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ की स्टडी करते हुए इन्होंने एक मॉडल दिया था, उस मॉडल को हम लोग माइकलिस मेंटन मॉडल बोलते हैं, और जो इक्वेशन इन्होंने दी थी उसको हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे एंजाइमोलॉजी में। अब माइकलिस मेंटन ने एक रिलेशनशिप बताई, उन्होंने कहा कि जो हमारा रेट होता है रिएक्शन का, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमारा रिएक्शन का रेट होता है या जो रिएक्शन की वेलोसिटी होती है और जो हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर वो एक दूसरे से रिलेशनशिप शो करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो अपना मॉडल बताने के लिए उन्होंने एक स्कीम बताई कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और हमारे पास एक एंजाइम है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसके बाद जब सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है हमको, और एंजाइम जो है डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट से। तो ये स्कीम उन्होंने बताई। फिर उन्होंने बोला कि ये जो हमारा ई प्लस एस से, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने तक का सफ़र है, यहाँ पर एक चीज़ होती है के वन। के वन क्या होता है? के और वन में ध्यान रखना आप कि के सबस्क्रिप्ट में हमारा वन है। यहाँ पर भले ही ऐसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है पर ये सबस्क्रिप्ट में है। तो के वन से मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। के वन है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ई एस, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के वन है। और के टू है हमारा जो
प्रोडक्ट बनने का रेट कांस्टेंट है या एंजाइम के फिर रिलीज होने का जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो हमारा K2 है। इसी तरीके से एक हमारा K-1 होता है जो कि हमारी रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। यानी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर डिसोसिएट होकर एंजाइम और सब्सट्रेट दे दे तो जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा वो K-1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा हमारा नीचे की तरफ K-1, जो ये हमारा नीचे वाला एरो है जो कि ES से E+S की तरफ जा रहा है, ये हमारा होगा K-1 रेट कांस्टेंट यहाँ पर। तो इस तरीके से होता है बच्चों, ये हमारी बात हुई मिकैलिस मेंटन इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने इस इक्वेशन में या इस मॉडल में क्या बोला था। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट होता है किसी भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का वो मेजर किया जाता है एट वेरिंग सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है उसको अलग अलग सब्सट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर मेजर करते हैं। ऐसा करने पर जो हमारा रेट होता है वो सब्सट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम अलग अलग सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लें और उसमें फिर हम रेट मेजर करते चलें रिएक्शन का, तो जो हमारा रेट होता है वो सब्सट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, जब सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो इनिशियली जो हमारी वेलोसिटी होती है वो लीनियरली इंक्रीज करती है। यानी जैसे जैसे सब्सट्रेट बढ़ता रहता है, सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है, वैसे वैसे रिएक्शन का जो रेट है या वेलोसिटी है वो भी बढ़ती रहती है। एक लीनियर रिलेशनशिप ये फॉलो करते हैं उस टाइम पे। फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है, जिसको हम वी मैक्स बोलते हैं। जैसे ही ये रिएक्शन की वेलोसिटी वी मैक्स पहुंचती है, उसके बाद सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चाहे कितना भी बढ़ा लें या घटा लें, फिर रिएक्शन रेट पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी वी मैक्स एक बार पहुंच जाए, उसके बाद जो हमारा रिएक्शन रेट है वो सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो डिपेंड नहीं करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है सब्सट्रेट का जिस पर जो हमारी वेलोसिटी है रिएक्शन की वो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो जाती है, यानी वी मैक्स बाय 2 हो जाती है। सब्सट्रेट का एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है जहाँ पर जो हमारी रिएक्शन वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो जाती है। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को सब्सट्रेट के हम लोग KM बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, KM बोलते हैं, और KM को हम लोग माइकलिस कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। ये जो हमारा KM होता है इसको हम मोल्स ऑफ सब्सट्रेट पर लीटर से एक्सप्रेस करते हैं। किससे, मोल्स ऑफ सब्सट्रेट पर लीटर, यानी पर लीटर में सब्सट्रेट के कितने मोल हैं, इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अगर KM की वैल्यू कम होगी, दैट मीन्स जो हमारा एंजाइम होगा उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी सब्सट्रेट के लिए, यानी वो अच्छी तरीके से बाइंड करेगा कम कॉन्सेंट्रेशन में भी। अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कम भी होगी तो भी वो सब्सट्रेट से अच्छी तरीके से बाइंड करेगा, यानी उसकी एफिनिटी अच्छी होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, KM की वैल्यू अगर कम होगी तो एंजाइम की एफिनिटी ग्रेटर होगी, अच्छी होगी सब्सट्रेट के लिए। बच्चों अब हम यहाँ पर ये प्लॉट देखते हैं, माइकलिस मेंटन प्लॉट या माइकलिस मेंटन हाइपरबोला इसको बोलते हैं क्योंकि ये हाइपरबोलिक कर्व है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सिस पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा वेलोसिटी है रिएक्शन की, और ये जो आप एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं ये हमारा सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है। बेसिकली ये जो प्लॉट है यहाँ पर रिलेशनशिप बताया गया है वेलोसिटी और सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनिशियली जब सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये जो हमारी वेलोसिटी होती है ये लीनियरली इंक्रीज होती है। यानी जैसे जैसे सब्सट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी भी हमारी बढ़ेगी। तो इस दौरान जो हमारा ये रिएक्शन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्योंकि लीनियरली सब्सट्रेट पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। फिर एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आता है सब्सट्रेट का जिसको हम KM बोलते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो जाती है। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को हम KM बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये होती है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी यहाँ पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं जो ग्राफ है ये बिल्कुल क्या होता है, पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, जिससे हमें पता चलता है कि फिर चाहे हम सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा दें कितना भी घटा दें, ये जो हमारी वेलोसिटी है अब ये डिपेंड नहीं करेगी सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर, क्योंकि अब जो हमारी वेलोसिटी है या जो रेट है रिएक्शन का
वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इस दौरान जो हमारी रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर हो जाती है। Km कैसे निकालें, तो Km ऐसे निकाल सकते हैं K माइनस वन प्लस K2 अपॉन K1, यानी जो रेट कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे और K1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा Km आ जाएगा। K माइनस वन क्या था, रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट, K2 क्या था, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेट कॉन्स्टेंट, और K1 क्या था, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए रेट कॉन्स्टेंट। आप ध्यान रखना माइनस वन टू और ये जो वन है ये सबस्क्रिप्ट में है, ये इस तरीके से नहीं है, सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन की। तो माइकलिस मेंटन ने मिलकर एक इक्वेशन भी बनाई थी जिसमें कि सारी चीज़ों को उन्होंने कनेक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि जो वेलोसिटी होती है रिएक्शन की यानी कैपिटल वी, वो इक्वल होगी वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, के एम क्या है, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम के हाफ हो जाती है, और ऐसा आपको पता ही है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से होता है, और माइकलिस मेंटन के अकॉर्डिंग जो हमारी रिएक्शन वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में प्लॉट था वो एक हाइपरबॉलिक प्लॉट था। तो कई बार ये जो हमारे माइकलिस मेंटन प्लॉट या इक्वेशन है ये हाइपरबॉलिक के नाम से भी आ जाती है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर हाइपरबॉलिक कर्व के बारे में पूछा जाए तो माइकलिस मेंटन कर्व के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमने थोड़े से टॉपिक डिस्कस कर लिए एंजाइम काइनेटिक्स के। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं एंजाइम काइनेटिक्स के जो कि हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।